घर द्वार सारा बर्बाद हो गया, और ऐसे में रहने के लिए दरवाजा नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, और ऐसे में मैथिली के सुप्रसिद्ध गायक गौरव ठाकुर और साथ ही साथ सुप्रसिद्ध गायक बंसीधर चौधरी आए हैं। देख सकते हैं किस तरह से लोगों के बीच खाना वितरण कर रहे हैं, बाकी देख सकते हैं किस तरह से लोगों के बीच खाना वितरण कर रहे हैं, जरूरत के सामान वितरण कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके टीम जितने भी मैथिली के टीम है वो सारे लोग आए। हम बंसी भाई से भी बातचीत करेंगे। बंसी भाई, क्या कैसे सामग्री बांट रहे हैं, क्या 25 का तैयारी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग के पास लोग के दुख में आए हैं शामिल होने। देख लीजिए, इनका कहना है कि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है, लेकिन हम लोग एकदम आए हैं समाज सेवा करने और लोगों के दुख सुख में साथ देने के लिए। इधर देख सकते हैं मैथिली स्टार बंसीधर चौधरी और साथ ही साथ गौरव ठाकुर, दोनों भाई मिलकर किस तरह से लोगों के बीच जरूरत का सामान वितरण कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी हमारी मौजूदगी सहरसे में है और सहरसा का लोग बाढ़ के चपेट में आने से ऐसे कई लोग हैं जिनका घर बर्बाद हो गया। इन्होंने ही हम लोगों को, ये बड़े हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं, इन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया कैसा करना है, तो हम लोग आए हैं। हम है प्यारे भाई बंसीधर चौधरी है, जीवन है, हमारा पूरा टीम है, जीतू भैया का जितना टीम है सारा टीम है, हम लोग आए हैं, जो हम लोग से जुड़ा बना करते जा रहे हैं, जहाँ तक क्षमता होगा वहां तक करेंगे। जीतू भाई, ऐसे में नवरात चल रहा है, छठ आने वाला है, अभी कई स्टार होंगे जो एल्बम के शूट में होंगे, और ऐसे में आप लोग समय निकाल कर समाज सेवा कर रहे हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों से मिल रहे हैं, कैसे मिलना हुआ? देखिए, ओरिजिनल नवरात्र जितने भी हमारे भाई है, सभी से आग्रह है कि अगर दुनिया में सेवा ही करना है तो सबसे बड़ा सेवा है मानस का सेवा, जन सेवा, और सबसे बड़ी पूजा है। आप जितने भी बाढ़ पीड़ित हैं, यहाँ पे बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है, तो जो नवरात्र कर रहे हैं, हम सभी से आग्रह करेंगे, जितने भी संगीत जगत के कलाकार हैं, यहाँ पे आप आए, ओरिजिनल आपका नवरात्र यही होगा, आप जरूर इस बाढ़ पीड़ित का जो है सेवा करें। अच्छा बंसी भाई, आपको हम बताना चाहेंगे, आपको भी पता होगा कि जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र में आपका घर भी डूबा होगा, ऐसे में आप अपने घर को ना देख कर लोगों के बीच आने का क्या मकसद? देखिए, लोगों का दर्द वही लोग समझ सकता जो उस चीज को झेल चुका है, ठीक है? तो अब देख ही रहे हैं कि हम लोग का खुद का घर डूबा है, और जिस तरह से हम लोग तकलीफ झेले हैं, और उसी तरह से जहाँ जहाँ यानी कि पानी है, बाढ़ है, वही हाल होगा सबको। तो हम लोग को हमसे जितना संभव होता है, हम चाहते हैं कि इन्हीं लोगों से दुर्गा कमाते हैं। आप लोग भी आइए, जो भी भाई समर्थन कीजिए, चाहे जो भी संभव है आप लोग भी मदद करिए, और कम से कम अगर मिथिला का कलाकार है, मिथिला से 2 रुपया कमाते हैं, तो यहाँ के जनता का सेवा करिए, और ताकि कल के दिन लोग अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तब न फिर हमारा चीज सुनेगा देखेगा। और बाकी आप लोग हालत भी देखिए किस तरह से लोग सड़क पे रह रहे हैं, और अभी तो ना, अभी तो रात के मौसम है, लोग दिन में आता है फोटो खिंचवाने के लिए, और आप वीडियो बनवाने के लिए आते हैं, और रात में भी आइए, लोग देखिए किस तरह से कष्ट में सोता है, कैसे रहता है, कैसे खाना पीना खाता है, तो आप लोग टीआरपी लेने के लिए मत आइए। जो दूसरे का दर्द समझेगा वही कलाकार होगा। दर्द समझ, जो दर्द नहीं समझे। बंसी भाई, एक सवाल हो रहा, एक सवाल है, जिस तरह से अदर राज्य में जाइए तो हर साल कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, लेकिन बिहार में जब आइए तो हर साल बाढ़ से पीड़ित लोग देखने को मिलेंगे, और ऐसे में सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को यही कहना चाहेंगे हम लोग, आप लोग अगर हर साल 1000 रुपया बजट बांटते हैं ना, आप लोग एक ही बार आइए, 5000 बजट लगा कर आ कुछ ऐसा चीज कर दीजिए ताकि इस तरह का आपदा फिर दोबारा ना आए। यहाँ कर लोग सब छे सब छे, और हम यही कहेंगे कि जब तक हर साल बाढ़ आए या ना आए, हर साल 1000 रुपया का बजट जो है, 1000 करोड़ का बजट शायद पास करता है बिहार सरकार बाढ़ से जो पीड़ित लोग है उसके लिए, तो वो चीज सीधा सीधा लोग को नहीं पहुँचता है, वो सब जो है की फोटो खिंचवाने वाले जो है की ना घुसता है, चल जाता है। अच्छा, और एक बार 5 साल के एक बार अर्निंग लेकर बना देते, इस तरह विपता से लोग नहीं आएगा फिर दोबारा। सही बात, अच्छा रहेगा। आप देखे होंगे कि बहुत ऐसा जगह है, बहुत कुछ हो चुका है, ये बार नहीं रुक सकता है, रोक सकता है, रुकेगा तब रुकेगा। लगातार आपने कई घंटों से सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, लगभग कितने लोगों तक पहुँचा दिए होंगे? देखिए, हम लोग लगातार अभी 5 दिन से काम धाम छोड़कर घूम रहे हैं, जहाँ जहाँ लोग, ऐसे तो बहुत जगह है, जैसे हम लोग का गांव भी डूब चुका है थोड़ा देर पहले उधर से, और दिन भर एकदम हम लोग वही काम करते हैं ना, अभी थोड़ा और हम यहाँ पानी वानी चल जाएगा, फिर भी काम कर रहे हैं, हम लोग जाएंगे, अच्छा लग जाता है।
तो बस आप लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप लोग भी आइए इस जगह पर, मदद करिए लोगों का और लोगों का सहायता कीजिए, तब आप ओरिजिनल कलाकार का लाइएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं। चलिए बाकी हम लोग टीआरपी के लिए, दिखावा के लिए नहीं आए हैं, हम लोग मदद के लिए आए हैं, आप लोग भी आइए। आखिरी सवाल बंसी भाई, आखिरी सवाल, जिस तरह से आप कलाकारी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी अपना काम छोड़ के, अपना जिस तरह से अभी लगातार पर्व है आपका, एल्बम शूट होता है, वो छोड़ के आप समाज के लिए आए, आगे आए, वैसे कलाकारों से क्या कहना चाहेंगे जो लोगों से टीआरपी तो लेते हैं, लोगों से ही कमाते हैं लेकिन लोगों के दुख सुख में खड़ा उतरने का काम नहीं करते? ये चीज़ सोचने वाली बात है ना, ये चीज़ करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कलाकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, जिसके दिल में दया हो वो लोग आइए और इस जगह लोग को लोग बचाइए। उसके बाद लोग भी नहीं रहेगा तो भैया हमारा के फिर गणमा कैसे चलेगा हो? लोग बा रहेगा ठीक तबे ना गणमा लोग सुनेगा जी, आए लोग भी नहीं सुरक्षित, हम लोग गाइए के कहा कर बहो। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि आहाँ सब आइयो और इस जगह पर, ठीक, और सब लोग की मदद करो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, जिसको जो जुड़ता बनता है आप लोग आइए, बिल्कुल आइए इस जगह पे और यहाँ के लोग को दर्द दुख में साथ दीजिए। आखिरी में जनता से क्या कहेंगे आप? जनता से यही कहेंगे कि तो पूरे दिन हम सब भाई देखिए कितना पसीना पसीना जनता को, मेरा भीगा हुआ है, कुछ है। जनता से हम यही कहे हैं कि आप लोग हौसला बना कर रखिए, ठीक है, घबराना नहीं है, बाकी जहाँ तक होगा आप लोग सहयोग करेंगे, सहयोग करेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। बाकी देख सकते हैं अभी मैथिली के सुप्रसिद्ध गायक बंसीधर चौधरी, साथ ही साथ जीतू भाई है, साथ ही साथ गौरव भाई है, साथ ही साथ इनके टीम है जो पूरे गांव में आकर यह लोग जरूरतमंद लोगों तक खाना, बिस्किट, ऐसे कई सामग्री है जो आपसे अनुरोध है कि आप लोग दिखाइए दूर दूर तक, देखो देख लीजिए, इन लोगों को जरूरत की जितने भी सारी सामग्री है वह सारा पहुंचाने का प्रयास किया। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देते, इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय।